नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं NSTV बिहार। पंचायत का हाल जानने हम लोग लगातार पंचायत के दौरे पर हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने अररिया जिले के पिचेली पंचायत का दौरा किया। पिचेली पंचायत जिला मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 4 किलोमीटर है, वहीं आबादी लगभग 30,000 की है। यहाँ वोटरों की संख्या की बात करें तो लगभग 9,000 है। यहाँ पर वर्तमान में मुखिया अंसार आलम है। इस पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र भी है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है, जिससे हर साल लोगों को जूझना पड़ता है। इसकी चौहद्दी की बात करें तो पूर्व में सुखसैना पंचायत है, पश्चिम में पोखरिया है, उत्तर में भीखा है, वहीं दक्षिण में डूबा पंचायत है। इस पंचायत में सरकारी स्कूल की संख्या 7 है और आंगनबाड़ी की संख्या 12 है। ग्रामीण सड़क की बात करें तो इस पंचायत में ग्रामीण सड़क की हालत लगभग अच्छी है। नल जल योजना का कार्य प्रगति पर है। लोगों का मुख्य पेशा खेती और मजदूरी है। कुछ लोग व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। हमने इस पंचायत का जायजा लिया, हमने लोगों से बातचीत भी की। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमशेद। 5 सालों में आपके मुखिया अंसार आलम है। क्या विकास का काम हुआ है अंसार भाई के थ्रू पंचायत में? काम तो बहुत बढ़िया किया है, इसलिए कि हम लोग गलत काहे बोलेंगे। जहाँ जहाँ यही काम किया है तो आपका नज़र में है और आगे काम किया है। जहाँ जहाँ काम किया है वो तो सबका सामने पर दिखाई देता है, कोई दिक्कत ना है काम के लिए। ट्यूबवेल भी, यही नाला ताला इधर उधर बहुत बढ़िया विकास किया है, कोई दिक्कत ना है। हसीब मुखिया 40 साल जो रहा, हम लोग का मतलब ऐसे 45-40 साल उम्र भी हो गया, अभी तक हम लोग तो कोई काम दिखबे नहीं किए हैं कहीं भी ना। और हसीम मुखिया का घर का आसपास में भी हम लोग अपना ट्रैक्टर से मिट्टी खुद भरे हैं। यहाँ तक हम लोग देखे हैं, पेचैली में भी कह जी हम लोग का गाड़ी चला है और मिट्टी भरे हैं, और उसका तरफ से तो हम लोग कोई कामे नहीं देखे आज तक। इनका काम जहाँ जहाँ भी है और हर जगह हर आदमी को दिखाई पड़ता है, हमको भी दिखाई पड़ता और पब्लिक को दिखाई पड़ता, हर जगह बढ़िया विकास किया है। लाभ मिला मुखिया? हाँ, मुखिया साहब लाभ बहुत ही मिला है। इंदिरा आवास मिला? हाँ, ना इंदिरा आवास तो इसका टर्म में हमको नहीं मिला है, उससे हाँ वो सब हो गया हल्का फल्का। हाँ, और वो काम जो है वो भी हो रहा है। मुखिया जी आम सभा करते हैं कि नहीं? करता है, मिलते हैं लोगों से? हाँ मिलना होता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ये सब में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीब। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इस पंचायत में इस 5 सालों में क्या विकास का काम हुआ है। अच्छा, ये मुखिया जी इंदिरा आवास भी लोगों को दिए और जगह जगह भी रोड भी बनवाए और बहुत अच्छा विकास किए हैं। हम लोगों ने नजर जो आया है अभी तक अच्छा किए हैं, बुराई कोई नहीं किए हैं और बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत विकास का काम किया और आप पब्लिक का भी बहुत अच्छा भलाई किया है। इसे जो चीज़ हम देखे वो चीज़ हम बोल दिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानते ना कुछ कह सकेगा हम। 5 सालों में क्या सब मिला लोगों को? लोगों को इंदिरा आवास मिला, जैसे किसी के वृद्धा नहीं बना हुआ था उसको वृद्धा बना के दिया। आपको मिल रहा है वृद्धा? हाँ मिल रहा है, बनाया। हाँ बनाया, हर चीज़ किया। और जहाँ रोड नहीं था रोड बना दिया, जहाँ नल जाना था जहाँ पहले ट्यूबवेल आया, जो ट्यूबवेल जिसको नहीं था ट्यूबवेल दिया, समझे। ये सब हर काम किया वो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीकुर रहमान। यहाँ आपके समस्या क्या है आपके पंचायत में, आपके वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या? ये है कि बच्चे का पढ़ने में स्कूल जाने में दिक्कत होता है, सड़क बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके सड़क बन जाए और हमारी समस्या जो दिक्कत हो रही है वो दूर हो जाए। पानी वानी मिल रहा है पीने के लिए? जल नल जल? हाँ मिल रहा, बाकी सिर्फ आप लोगों को रोड की दिक्कत है। रोड की दिक्कत है। मुखिया जी गोरे गोरे बड़े बड़ी हो जी मुखिया की रोड 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 बना दिया। हाँ रोड रोड बना दिया। खुश छाते सब मुखिया जी? हाँ मुखिया जी खुश छाते सब? हाँ खुशी की। अच्छा काम कर गए इस पंचायत? हाँ अच्छा काम कर। रोड बना के दिल्कू? हाँ शौचालय वौचालय मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मेरा पास मिल रहा है। पानी पिए छे फिल्टर वाला? पिए छे। हाँ पिए छे। पानी मिले जी फिल्टर वाला? हाँ, आपके पंचायत में आपके आप कौन से वार्ड से? हम वार्ड नंबर 8 का हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बोलना ये चाह रहे हैं कि सर देखिए, किसी को इंदिरा आवास मिला है, किसी को नहीं मिला है, अभी तक किसी को झोपड़िए है, इंदिरा आवास का इंतजार में वो रहते रहते अभी वो बरसात में पानी खा रहा है कि इंदिरा आवास मिलेगा तो घर बनाएंगे, लेकिन अभी तक उसको मिला ही नहीं कुछ। अच्छा, उसका नाम आया, उसका नाम भी छट गया सूची में, नाम आके छट गया।
नाम आया हुआ था कि मिलेगा तो घर बनाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि विकास होना चाहिए, हमारे वार्ड का, हमारा पंचायत का विकास होना चाहिए। कम से कम जो भी गरीब है उसको मतलब लाभ मिलना चाहिए। मेरा नाम एमडी कुर्बान आलम हो गया। क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाहते हैं कि मुखिया जी के जैसा काम आज तक कोई किया नहीं है इस पंचायत में, और श्यामपुर से लेकर पिचली तक आज तक कोई मुखिया देखे भी नहीं है। छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी को मान सम्मान देना, काम करना, हर सभी के साथ उठना बैठना, सभा में बैठना, बोली ठोली में हर चीज़ में अच्छा है, मतलब कोई चीज़ में कमी नहीं है। आज तक कोई मुखिया हम नहीं देखे हैं श्यामपुर, जब अभी तक उम्र हुआ मेरा 22-23 साल, कोई मुखिया देखे नहीं किए हैं। बाकी विकास के लिए तो हर काम के लिए मुखिया जी खड़ा रहते हमेशा। क्या नाम है आपका? एमडी मुजाहिदुल इस्लाम। पंचायत के बारे में बताइए, कितना काम हुआ 5 सालों में? देखिए, पहली बात तो ये श्यामपुर गांव में अगले 50 साल से पहले से ही मुखिया नहीं बना था, ये पहली बार मुखिया बना मोहम्मद अंसर आलम। और विकास का काम तो लाजवाब किया। 50 साल पहले से कौन मुखिया नहीं बना? मुखिया श्यामपुर के गांव में नहीं थे। अच्छा, मतलब आपके गांव के लोग मुखिया नहीं थे? नहीं थे, दूसरे गांव में हुआ। हाँ, पिचली में थे। अच्छा, तो उसका जो है उसको तोड़ करके ये मुखिया बने, पुराना मुखिया को, और जा कर के श्यामपुर में पहली बार मुखिया आया तो रिकॉर्ड तोड़ दिया विकास के काम में। बहुत सारे काम किए हैं, नल जल, नाला, गली। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दाऊद आलम। मुखिया जी के बारे में क्या राय रखते हैं आप अपना? मुखिया जी के बारे में देखिए, विकास का जो मामला होना चाहिए जितना तक उतना तक वो कर रहा है, विकास में कोई कमी नहीं किया है। प्लस पब्लिक को जो गवर्नमेंट से फ़ायदा होना चाहिए, सरकारी लाभ मिलना चाहिए, वो सब में ये बिल्कुल खड़ा रहता है। रात में किसी गरीब को घर में कोई परेशानी हो गया, अचानक कोई हादसा हो गया, इसको खबर मिलता है, वो हाजिर होता है, वो पीछे न हटता है किसी भी वक्त, 24 घंटा वो पब्लिक के लिए खड़ा है। आप लोगों को क्या पर्सनल लाभ मिला मुखिया जी से? पर्सनल लाभ हम लोगों को जो भी गवर्नमेंट का लाभ होना चाहिए वो मिला। मिला जी। इंदिरा आवास का सूची में नाम आया इस बार का? इंदिरा आवास का सूची में नाम आया, हाँ, नहीं मिला ना है। बाकी कोई धांधली तो नहीं हो रही है? नहीं, धांधली फांधली नहीं। मुखिया जी का सबसे अच्छा बात ये है कि गरीब का साथ वो बहुत देता है, गरीब के पीछे वो खड़ा रहता है। पैसा वाला कितनों पैसा वाला रहे, अगर वो गरीब से पंगा लिया तो वो गरीब के साथ खड़ा रहता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहा। हम मुखिया जी के बारे में जान रहे हैं, और आपके मुखिया पिचली पंचायत के अंसार आलम हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए, इन 5 सालों में क्या काम किया है? जी, 5 साल में तो अंसार मुखिया बहुत ऐसा काम किया है कि इसका कोई कहने का जवाब नहीं है। हम तो कई मुखिया के साथ में रहे, 1990 से हम मुखिया का काम कर रहे हैं। पिछले हसी मुखिया के टाइम में हम काम किए, उसके लड़का डप्पी मुखिया आया उसके साथ में भी काम किए, फिर मजावर मुखिया बना उसके साथ में भी काम किए। इस बार जो अंसर मुखिया बना है, हमको इसके तरह आनंद कहीं नहीं मिला, और गरीबों के लिए ये समझिए तो मसीहा है। आपका नाम क्या है? अंसार आलम। यहाँ क्या मुखिया हैं? हाँ, पिछली पंचायत का भी प्रेजेंट मुखिया। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन 5 सालों में इस पिचली पंचायत में आपने जब से कारोबार ये संभाला है, कार्यकाल संभाला है, कितना विकास का काम हुआ है पंचायत में, क्या सब चीज़ लोगों को फ़ायदा मिला आपसे? पहली तो गली गली रोड बन गया है। रोड जब हम नए थे तो उससे पहले कहीं पक्की काम नहीं था, हर गांव में हर वार्ड में कीचड़ था। एक वार्ड पर बनना पड़ता है, वहाँ तो 2-3 महीना तो गाँव आदमी जाता ही नहीं था, साहब गांव वाला दूसरा गांव में मोटरसाइकिल रखता था 2-3 महीना के लिए, तब लेके जाता था जब बारिश ख़त्म होता था। अभी तो 12-2 बजे रात में भी गाड़ी, जो गाड़ी 4 चक्का ले जाना है वो चले जाता है, आराम से, सोचना नहीं पड़ता है। हर वार्ड में पक्की पक्की कुछ न कुछ काम हुआ है। सबसे पहले आपने रोड पे ज़्यादा फोकस किया? हाँ, एक नंबर पे रोड फोकस है। अच्छा। और उसके बाद बिजली जो मीटर नहीं मिला था तो जितना बाकी था सबको फिर यहाँ पंचायत में सबको मीटर फ्री में दिलाए। इंदिरा आवास कितने लोगों को दिया है आपके? 600 आदमी का पेमेंट भुगतान हो गया है। आने वाला दिन में सबसे ज़्यादा लक्ष्य यही पर है, 1482 आदमी का लक्ष्य नया वाला में जुड़े हैं। अच्छा।
उसमें आदमी नहीं छूटा है। स्वास्थ्य केंद्र है आपके पंचायत में? हाँ, एक स्वास्थ्य केंद्र है, 10 साल से ज़्यादा अधिक हो गया बनने से। आज तक कभी डॉक्टर यहाँ नहीं, मतलब टीका लगाते ना कोई डॉक्टर आते थे, अब तो 2-3 महीना से यहाँ पर नर्स आते हैं, टीका सप्ताह में 5 रोज आते हैं, फ्री में दवा जो भी लगता है फ्री में वितरण होता है, टोटल दवाई देते हैं, नर्स आती है? हाँ हाँ, टोटल दवा फ्री में मिलते हैं। और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हम कि स्ट्रीट लाइट अभी पंचायत में नहीं लगी है, उसका तो हम लोग लिख के जगह अगर चुनाव करके दे दिए हैं, अब वो टेंडर हो, मतलब वो कंपनी करेंगे या पंचायत से लगेंगे तो सरकार आगे से भेजेंगे, तब तो कोई गाइडलाइन तब होगा कोई काम। आम सभा होता है आपके लोगों के बीच? हाँ, आम सभा तो यही लॉकडाउन 1 साल से हुआ है, उसके बाद हम लोग आम सभा नहीं किए हैं, उसके बाद हम लोग उससे पहले हर 4-5 महीना पर आम सभा करते थे, पूरा पंचायत को बुलाते थे। मनरेगा से क्या सब काम होता? मनरेगा से पशु शेड बनाया है बहुत आदमी, और बकरी शेड है, मुर्गी शेड भी बनाया है, पोखर में ज़्यादा फोकस दिए हैं अभी, पोखर भी खुदवाए हैं, पौधा भी लगाए हैं 12-14 यूनिट मनरेगा से लगाए हैं। वही पेमेंट समय पर सरकार नहीं देता है, जैसे अभी ईद था, बहुत लेबर का डिमांड पूरा हो गया था, 4-5 दिन 10 दिन अभी चल रहा है, पेमेंट मिल जाना था, अभी तक पेमेंट खाता में ना आया है। अगर टका आ जाता तो कल परसों ईद है, तो ईद में तो वो आदमी को खर्चा पानी निकल जाता, 1 रुपया भी नहीं है मनरेगा का, अभी पैसा नहीं, अभी पैसा मनरेगा का मजदूर खटा हुआ है, उसका पैसा भुगतान सरकार अभी तक नहीं किया। आपके पंचायत में क्या काम रह गया है जो अभी आपको लगता है कि आगे करेंगे हम अगर वापस आते हैं मुखिया बनते हैं तो? पंचायत भवन तो नहीं है आपके पंचायत? पंचायत भवन न है, उसके लिए 50 जिसमीन जमीन मांग रहे हैं सरकार रोड साइड में, और उसमें एक शर्त ये भी है कि जो नाम से पंचायत है वही मोजा का जमीन होना चाहिए। अच्छा। तो हम लोग का पेचैली नाम से पंचायत है, तो हमारा घर है श्यामपुर, तो श्यामपुर गांव मोजा में हम जमीन 2-3 जगह दिखाए तो सिलेक्ट नहीं किए कि पंचायत का नाम से होना चाहिए पेचैली मोजा ना। तो इसमें अभी नया बाद में प्रोसेस अगर बदलेगा तो जमीन हम देंगे। चिन्हित कर रहे हैं आप जगह क्या? हाँ, जगह तो हम दिखाए हैं, आगे अगर प्रोसेस में गया है, अगर वहाँ पर गाइडलाइन बदल देंगे कि ठीक है अगर जमीन नहीं मिलेंगे पंचायत में तो दूसरा मोजा से भी दे सकते हैं बीच में, तो हम जगह देने के लिए तैयार हैं। आप अपना जगह देंगे? हाँ, हम अपना जमीन देंगे। आगे का क्या आपका रणनीति है आगे अगर वापस फिर से आप मुखिया बन के आते, क्योंकि चुनाव अब तो होगा बहुत जल्द? आगे ही इंदिराबाद जो 1482 आए हैं, एक भी लाभुक से 1 रुपया नहीं लेना है, न मेंबर मुखिया को लेना है, न समिति, न मेंबर, न सहायक, किसी को लेने नहीं देना है फ्री में। अगर कोई व्यक्ति अगर पैसा वो मांगेगा तो वो हमारे पास अगर हम बन जाएंगे कंप्लेन करेगा तो उसको हम सारा मतलब सजा वो जो होगा उसका हम बैठा ही देंगे। अच्छा, एक ततमा टोल के बारे में एक आदमी मिला, उनसे बात हुई हमारी, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? ततमा मोहल्ला में दोनों मेन रोड में घर है, दोनों तरफ में रेड रोड पर घर है, तो उसका हम कौन रोड बना के देंगे? एक सरकार का बजट आता है, वही बजट के अनुसार से ही काम करना पड़ता है, हमारा पैसा खपत में है, हम काम कर दिए, वैसा वो उन लोग का लायक रहता तो बना देते, रोडे पे घर है, उसका कहना है कि हमारा आंगन तक लगा दीजिए, तो वैसा भी संभव नहीं है, पहले मेन काम बड़ा काम जो है उसको पहले देखना पड़ेगा ना, आगे बना देंगे जब बड़ा रोड बन जाएगा तो बना देंगे, पैसा बचेंगे। ईद का मौका है सामने, लोगों को क्या कहना चाहेंगे आपके पंचायत के लोग? यही है, मतलब लॉकडाउन में बहुत आदमी कपड़ा नहीं खरीद सकेंगे, बहुत खरीद भी लिए हैं, और जो नहीं खरीदे हैं उसका भी ईद होगा, जो खरीदे हैं उसका भी ईद होगा, यही है कि हमारे तरफ से सबको ईद मुबारक हो, शुभकामनाएं हो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।